ये बाहर का खाना है, ये होटल का खाना है, और हमारे पास तमाम वीडियो है जो खाना इन्हें बाहर से खिलाया जा रहा था, मोबाइल में बात कर रहे हो, अकेले नहीं है। और हत्या के आरोपी है, बहू और पोते की हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या। आप सोचिए उसके आरोपी है ये, उन्हें क्या सुविधा दी जा रही है? बाहर का खाना खिलाया जा रहा है, परिवार से मिलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो पुलिसकर्मी है आप देख सकते हैं, ये देखिए आप ये साथ में लेके आए हैं, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जेल में बंद आरोपियों को इलाज के नाम पर बाहर लाया जाता है और तमाम सुविधा दी जाती है। आप देख सकते हैं डॉक्टर अजय राय है और पूर्व मंत्री के बहू और पोती के हत्या के आरोपी है। और सबसे बड़ी बात, जो पुलिसकर्मी है आप देख सकते हैं, ये देखिए आप ये साथ में लेके आए हैं और हथकड़ी इनकी खुली हुई है। और ये देखिए खाना, आप देखिए ये बाहर का खाना है, ये होटल का खाना है, और हमारे पास तमाम वीडियो है जो खाना इन्हें बाहर से खिलाया जा रहा था, मोबाइल में बात कर रहे हो, अकेले नहीं है। और हत्या के आरोपी है, किस व्यवस्था से आप बताइए, आप लेके आए, आप बताइए कैसे डॉक्टर जी? खाना मेरा नहीं था। हत्या का आरोपी, हमारे पास वीडियो है कि परिजनों को लाया गया है, परिजनों के साथ मिलाया जा रहा है, ये सुविधा दी जा रही है। योगी शासन में जो मंत्री थे, पूर्व वन मंत्री डीपी धीतलर, उनकी हत्या के आरोपी है, उनके घर वाले देखिए साथ यहाँ पर आए थे। फिलहाल देखिए कि खुले यहाँ मुझे जो सुविधा दी जा रही है, हम यही बार बार कहते हैं कि जेल में जो आरोपी बंद है, और सबसे बड़ी बात हत्या के आरोपी हैं, उन्हें खुले आम यहाँ पर घुमाया जा रहा है। बेड़ी तो छोड़िए, आप और भी आरोपी हैं, उनकी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से बकायदा उनके जूते देखेंगे आप, कपड़े देखेंगे, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सुविधा दी जा रही है। देखिए इसीलिए कानून व्यवस्था से आम आदमी का जो है भरोसा उठता है। हत्या में जो जेल में बंद है आरोपी, और योगी शासन में हत्या के आरोपी थे, बहू और पोते की हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या। आप सोचिए उसके आरोपी है ये, उन्हें क्या सुविधा दी जा रही है? बाहर का खाना खिलाया जा रहा है, परिवार से मिलाया जा रहा है, मोबाइल में फोन में बात कर रहे हैं। वही कोई आम आदमी आप सोचिए कि छोटा मोटा अपराध कर देता है तो चप्पलें उसकी घिस जाती है। और इसके पहले भी जैसे हम बार बार, एक तो आरोप लगते रहे कि कोयला स्कैम है या रेत स्कैम है, शराब का स्कैम है, उसके तमाम रसूखदार जो आरोपी हैं वो जेल में बंद है। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि उन्हें क्या फैसिलिटीज मिल रही होगी। तो इन आरोपी का वीडियो है, बकायदा उन्हें मोबाइल में सुविधा दी जा रही थी, फोन में बात करने की, बाहर का होटल राजघराना का खाना खा रहे हैं। सोचिए क्या होता है पैसे के दम पर, कि क्या क्या सुविधा दी जाती है। तो बड़ा खुलासा किया है, उम्मीद करते हैं इस पर कोई कार्रवाई होगी। और बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इन्हें बाहर ये सब सुविधा मिलती है तो जेल में सोचिए कितनी सहूलियत मिलती होगी। इसीलिए ऐसे लोग अपराध करते हैं और चैन से अपना जीवन का गुजर बसर भी कर लेते हैं। ये आम आदमी होता तो उसकी चप्पलें घुस जाती छोटे अपराध में और वो बाहर भी नहीं निकल पाता।